बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉमन एरर्स के रूट्स को देखेंगे जो कि प्रेपोजिशन से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और इस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट में हम तीन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उसके साथ के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके कॉमन एरर्स में पूछे जाते हैं प्रेपोजिशंस से रिलेटेड। प्रेपोजिशंस के संदर्भ में हम उन पे फोकस करेंगे। सो वी विल बी फोकसिंग ऑन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपके कॉमन एरर्स होते हैं विद रिगार्ड्स टू प्रेपोजिशंस, उन पे फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट का। हमारी जो प्रेपोजिशंस हैं एट, ऑन, इन, इन प्रेपोजिशंस को हम पोजिशन के लिए प्रयोग करते हैं। जब हमें पोजिशन के बारे में बताना होता है एट, ऑन या इन, आई एम एट द मॉल या फिर आई एम इन दैट पर्टिकुलर प्लेस विच वॉज स्पेसिफाइड, तो जब भी हमें अपनी पोजिशन के हम कहाँ पर हैं वो बताना होता है तो हम एट, ऑन और इन का प्रयोग करते हैं। हम टू का प्रयोग करते हैं टू रिप्रेजेंट मूवमेंट एज वेल एज डायरेक्शन। मूवमेंट और डायरेक्शन बताने के लिए हम प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, सेंड दिस पैकेट ऑन माई न्यू एड्रेस, ये गलत हो जाता है। इवन दो वी आर सेइंग कि हम लोग एट, ऑन और इन का प्रयोग करते हैं टू मेंशन अबाउट पोजिशन, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर संदर्भ में जो कॉमन एरर हुआ है प्रेपोजिशन से रिलेटेड, सेंड दिस पैकेट टू माई न्यू एड्रेस, हम यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि टू यहाँ पर मूवमेंट हो गया, डायरेक्शन हो गया, टू माई न्यू एड्रेस, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑन जो है, इन हो गया, एट हो गया, ये पोजिशन के लिए होता है, बल्कि यहाँ पर द करेक्ट आंसर विल बी सेंड दिस न्यू पैकेट टू माई न्यू एड्रेस। शी गोज इन द स्कूल, यहाँ पर इन गलत हो जाएगा, शी गोज टू द स्कूल, शी गोज टू द स्कूल, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। I am going to home, I am going home, टू की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेपोजिशन टू की कोई ज़रूरत नहीं है, I am going home। तो इस प्रकार से भी आप ध्यान रख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स जो प्रेपोजिशंस के संदर्भ में होते हैं। प्रेपोजिशंस एंड द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स जैसे इन्फीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, ये सारे के सारे जो प्रेपोजिशंस एंड कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स इन्फीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, anterior, posterior, इनको हम follow करेंगे टू के साथ। These will be followed by टू rather than than, than का प्रयोग नहीं करेंगे हम, टू का प्रयोग करेंगे। तो जो हमारे comparative adjectives हैं जैसे inferior, ये सारे, anterior, posterior, they are followed by टू and they are not followed by than। This is also a very common error that we need to remember। anterior शब्द का अर्थ होता है situated before or towards the front, पहले ही, पहले जो सिचुएटेड होता है उसके लिए हम एंटीरियर शब्द का प्रयोग करते हैं। एक और मीनिंग एंटीरियर का है समथिंग दैट इज कमिंग बिफोर इन टाइम और डेवलपमेंट, तो इस तरह से हम एंटीरियर का प्रयोग करते हैं। वेयर एज पोस्टीरियर का अर्थ होता है लेटर, एंटीरियर पहले, पोस्टीरियर बाद में, सबसिक्वेंट, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड posterior। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ examples जो हम लोगों ने रूल कहा है कि comparative adjective they will be followed by two and they will not be followed by than। Our firm's performance is superior than theirs। Even though ये comparative adjective का प्रयोग किया गया है superior, लेकिन than नहीं use करेंगे हम, यहाँ पर two का प्रयोग करेंगे। So the correct usage becomes our firm's performance is superior to theirs। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा comparative एडजेक्टिव्स जब आ जाएंगे तो हम टू का प्रयोग करेंगे, दैन का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सो दिस वॉज द करेक्ट वन, आवर फर्म्स परफॉर्मेंस इज सुपीरियर टू देयर्स, शी इज सीनियर टू मी, शी इज सीनियर टू मी, दैन मी विल बी इनकरेक्ट। He is superior than you in strength. He is superior to you in strength. तो ये आपको याद रखना है, जब भी comparative adjectives आएंगे, anterior, posterior, inferior, superior, हम हमेशा to का प्रयोग करेंगे, than का प्रयोग नहीं करेंगे। That is something that we need to remember as far as rules of prepositions are concerned.
मूविंग ऑन टू द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल फॉर टुडे प्रेपोजिशंस के संदर्भ में, प्रेपोजिशंस एंड टाइम किस तरह से वो दिखा रहे हैं. नाउ टू टॉक अबाउट टाइम विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 2013 एंड करंटली 2019, तो जब हम कह रहे हैं स्पेसिफिक टाइम से स्टार्ट हो रहा है इन द पास्ट और कंटिन्यू चल रहा है अभी तक, प्रेजेंट तक कंटिन्यू चल रहा है, तो तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टाइम, सिंस 2013 देयर हैज बीन अ डिक्लाइन, वी हैवंट सीन हिम सिंस 2013. लेकिन 2013 से लेके अभी तक, सो दिस इज बेसिकली वी आर लुकिंग एट 6 ईयर्स. सो ये जो 6 ईयर्स का ड्यूरेशन है, इस 6 ईयर्स के ड्यूरेशन को हम फॉर के साथ रेफर करेंगे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर. जब हम लोग ड्यूरेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 6 ईयर्स के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे. इसको यहाँ पर देख लेते हैं. तो टू टॉक अबाउट टाइम दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड से अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है इन द पास्ट और वो अभी तक चलती आ रही है, तो तब हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सिंस 2015, since last year, since Monday I'm having pain in my neck, since morning we haven't been keeping well, all of us have not been keeping well in the family. So एक particular specified time period से लेके जब हम present की बात करते हैं, एक और rule को आगे जाके अभी हम देखेंगे. Whereas when we are talking about a period of time in particular, जैसे 2015 से लेके all the way till 2019, this is a span of 4 years. So ये जो 4 years हो गया, this duration will be represented by 4. It's not specified, but in particular, जो particular duration है तो उसको हम describe कर रहे हैं. For 2 hours, for 3 months, these are important. For example, I am ill since 2 weeks. ये गलत हो जाएगा. I have been ill for 2 weeks, right? Or I have been ill since February. तो जब हम particularly बताते हैं specified time period in past till the present, then of course we can use since. लेकिन otherwise for. तो इसका correct usage हो जाएगा. I have been ill for 2 weeks. Or I have been ill since a particular time, since January, since February. It was the worst catastrophe since 2 years. ये भी गलत हो जाता है. It was the worst catastrophe in, यहाँ पर in आएगा, in 2 years. It was the worst catastrophe in 2 years, since नहीं आएगा. Now यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी हम for का प्रयोग कर रहे हैं, whenever we are using for, we are using it with expressions. हम ऐसे expressions के साथ इसका प्रयोग कर रहे हैं which are representing quantity of time, जो quantity of time को represent करता है. For example, minute हो गया, आर हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, 15 मिनट्स, 45 मिनट्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, अ वीक, अ मंथ, 2 ईयर्स, 2 समर्स, ये भी बोला जाता है, 2 ईयर्स, 2 समर्स, 2 सेंचुरीज, सेवरल आवर्स, ये बहुत ही ज़रूरी है, सेवरल आवर्स, अ कपल ऑफ डेज, आई हैव बीन इल फॉर अ कपल ऑफ डेज नाउ, फॉर अ कपल ऑफ डेज, इन सारे के सारे एक्सप्रेशंस विच आर रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी ऑफ टाइम, इनके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे. ये आपने ध्यान में रखना है, इन सारे टर्मिनोलॉजीज के साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी ऑफ टाइम, दे आर रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी ऑफ टाइम. जबकि एक्सप्रेशंस जो कि स्पेसिफिक टाइम बताते हैं, जैसे कि 6:45 AM, April 5th, June 21st, लास्ट वीक हो गया, स्प्रिंग, समर, फॉल, सिंस स्प्रिंग वी हैवंट सीन हिम, फॉल, विंटर, तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड ये हो गया, द बिगिनिंग ऑफ द 21st century, सो सिंस द बिगिनिंग ऑफ 21st century, द 21st century हो गया, लास्ट जुलाई, लास्ट ऑगस्ट, लास्ट दिसंबर, अ वीक अगो,
अ वीक अगो, ये सारे के सारे जो एक स्पेसिफाइड टाइम बता रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं, इन एक्सप्रेशंस के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, राइट? सो दैट इज़ वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 6:45 इन द मॉर्निंग, दैट इज़ हाउ वी गोना बी यूजिंग सिंस. तो ये आपको ध्यान में रखना है किस तरह से वी आर यूजिंग फॉर एक्सप्रेशंस दैट आर रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी ऑफ टाइम, एंड वी आर यूजिंग सिंस फॉर एक्सप्रेशंस दैट आर रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक टाइम. ये हमें ध्यान रखना है. लेट्स जस्ट लुक एट सम एग्जांपल्स. We have been swimming there since 10 years ago. यहाँ पर we have been swimming there for 5 years. For 5 years और ago आप हटा देंगे. So for 5 years or for 10 years और ago हट जाएगा. We've been swimming there for 5 years or 10 years, right? Whatever it, the case may be. But for का प्रयोग होगा यहाँ पर. Let's just practice a few questions ताकि ये और भी ज़्यादा clear हो जाए, especially questions that are related on for and since, क्योंकि इनमें हम अक्सर गलती कर देते हैं. We've been coming here. We have been coming here - several months. We have been coming here for several months. क्योंकि ये several months, जैसा हम लोगों ने अभी लिखा भी था, several months, several days, this is representing quantity. It's an expression representing quantity of time and not specific time. इसीलिए हम for का प्रयोग करेंगे. आप वीडियो को पॉज कर करके questions को solve कर सकते हैं. More precisely, we have been coming here - 2013. एक तो वैसे भी precisely का प्रयोग हो गया है और एक specified time दिया गया है. Therefore, we will be using since. Because since का प्रयोग हम करते हैं before specific time. Because we've got a specific time. Therefore, we will be using since. Here, tourism has been increasing - end of last year, since the end of last year, because ये एक अगेन स्पेसिफिक टाइम बता रहा है और हमारी लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस में भी इंक्लूडेड था. मोर पीपल हैव बीन विजिटिंग - द लास्ट 8 months. ये आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है और ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ये क्वांटिटी ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन है. क्वांटिटी ऑफ टाइम के एक्सप्रेशन के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं. मोर पीपल हैव बीन विजिटिंग फॉर द पास्ट और फॉर द लास्ट 8 months. We have been swimming and walking on the beach - early this afternoon. Specific time आ गया है, तभी हम since का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये specific time बता रहा है. Early this afternoon. So we have been swimming and walking on the beach since early this afternoon. We've been enjoying the sun and warm water for a month now. For a month क्यों आएगा? Because this is quantity of time that is being represented for a month now. We've eaten at several of the restaurants we arrived. Ever since we arrived or since we arrived, क्योंकि specific time period दे रखा है. This is important. We've walked all over the island and enjoyed everything here - these past several days. For यहाँ पर हम for करेंगे क्योंकि ये हमारा quantity of time को represent कर रहा है और हमारे quantity of time के list of expressions में भी था और यहाँ पर for आएगा. We haven't had such a great vacation. Now यहाँ पर for several years again quantity of time को represent कर रहा है. So for several years becomes the correct answer. We have been discussing our trip ever since we got back. यहाँ पर आप याद रख सकते हैं ever के साथ हम since का ही प्रयोग करते हैं. Ever for नहीं लिखा जाता है. So यहाँ पर you can even remember this as an informal rule. So we have been discussing our trip ever since we got back. एक तो ये specific time भी है and otherwise also ever के साथ हम since का ही प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 important aspects को cover किया, जिसमें first part में हम लोगों ने कुछ important examples देखे आपके इन ऑन एट से रिलेटेड और टू से रिलेटेड. उसके बाद किस प्रकार से कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के साथ हम सिर्फ और सिर्फ टू का प्रयोग करते हैं, दैन का नहीं. और थर्डली हम लोगों ने सिंस और फॉर के बीच में जो यूसेज डिफरेंस है उसे कवर किया फर्स्ट पार्ट में. आप इंश्योर कीजिएगा कि आप इस फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरह से रिवाइज कर रहे हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है इस फर्स्ट पार्ट में, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं और आज की इस वीडियो की चीट शीट को वहाँ से देख सकते हैं.